आज हम डीसी मशीन के एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी मशीन का एफिशिएंसी कैसे डिक्रीज होता है, उसके लॉसेस की वजह से, ठीक है। अगर लॉस ना हो, दैट मींस इफ अ मशीन इज़ आइडियल, देन उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 100%। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। सो एफिशिएंसी इज़ वॉट? एफिशिएंसी, इफ एफिशिएंसी इज डोनेटेड बाई ईटा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस लॉसेस बाय इनपुट। ओके, अब ये फार्मूला आया कहाँ से? तो इफिशियंसी का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, यही तो होता है इफिशियंसी, ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या होगा? जो इनपुट दिए आप, ठीक है, इनपुट माइनस लॉस। अगर लॉस 0 हो गया तो इनपुट बाय इनपुट दैट विल बी 1, दैट मीन्स 100% इफिशियंसी। सो आउटपुट विल बी हाउ मच? आउटपुट इज इनपुट माइनस लॉसेस बाय इनपुट, ठीक है, मीन्स 1 माइनस इनपुट बाय इनपुट कैंसिल, 1 माइनस लॉस बाय इनपुट, दिस इज द इफिशियंसी। अब डीसी मोटर के केस में क्या होता है? डीसी मोटर के केस में होता है, सप्लाई देते हैं हम, मान लीजिए वी आई एल, वी सप्लाई है, आई एल करेंट है, ठीक है। तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा? दैट इज इनपुट, ठीक है। तो जो इफिशियंसी होगा वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस लॉसेस बाय वी इंटू आई एल, ठीक है। और डीसी जनरेटर के केस में क्या होता है? आउटपुट होता है हमारा वी आई एल। इसमें मोटर के केस में वी आई एल क्या है? इनपुट है। और जनरेटर के केस में क्या होता है? आउटपुट होता है। तो जो इस फॉर्मूला में क्या होगा? इनपुट इज इक्वल टू हाउ मच? आउटपुट, दैट यहाँ पर आप गौर करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या था? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस, दिस मीन्स इनपुट इज इक्वल टू हाउ मच? आउटपुट प्लस लॉसेस। तो सो डीसी जनरेटर के केस में क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस लॉसेस बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। आउटपुट प्लस लॉसेस मीन्स यहाँ पे आउटपुट आपका कितना हो जाएगा? जो इनपुट था वी आई एल, वो डीसी जनरेटर के केस में क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस लॉसेस बाय वी आई एल प्लस लॉसेस। तो जनरेटर के केस में क्या होगा? जो यहाँ पे वी आई एल था, ठीक है, वी आई एल क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस लॉसेस बाई वी आई एल प्लस लॉसेस, दिस इज द इफिशियंसी इक्वेशन फॉर डीसी जनरेटर, दिस इज द इफिशियंसी इक्वेशन फॉर डीसी मोटर। ओके, जनरेटर के केस में क्या था आपका इफिशियंसी का इक्वेशन? दैट इज 1 माइनस लॉसेस बाई वी आई एल प्लस लॉसेस, दैट मीन्स वी आई एल इज वॉट? योर आउटपुट। ओके, तो जो नेट इक्वेशन अगर इफिशियंसी के लिए लिखते हैं तो क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट, दैट मीन्स वी आई एल बाय वी आई एल प्लस लॉसेस। अब लॉस आपके पास, लॉस क्या क्या था? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस एंड स्ट्रे लॉस। स्ट्रेस लॉस चूंकि नेग्लिजिबल होता है, उसको जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बचा क्या क्या आपके पास? कॉपर लॉस और आयरन लॉस, और तीसरा है मैकेनिकल लॉस। वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, यहाँ बता रहा हूँ। आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों को कंबाइन करके, चूंकि ये कांस्टेंट अगर लेके चले, तो दोनों को कंबाइन करके जो बताता है उसको बोलते हैं नो लोड रोटेशनल लॉसेस। दैट मीन्स आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस इज व्हाट? नो लोड रोटेशनल लॉसेस, ठीक है। तो ये दोनों को आप मान लीजिए कि ये है W जीरो, दैट इज आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, दिस इज कॉल्ड नो लोड रोटेशनल लॉस। कॉपर लॉस में दो कॉपर लॉस थे, एक आर्मेचर के अक्रॉस, एक फील्ड कॉइल के अक्रॉस, ठीक है। तो आर्मेचर के अक्रॉस मान लीजिए आई ए स्क्वायर आर ए, दैट इज आर्मेचर कॉपर लॉस। ओके, और दूसरा था क्या?
फील्ड कॉपर लॉस, अगर शंट फील्ड का इक्वेशन लिखते हैं तो आई एफ स्क्वायर आर एफ दैट इज इक्वल टू वी एफ इंटू आई एफ, दिस इज व्हाट, शंट फील्ड कॉपर लॉस। यहाँ पर हम शंट फील्ड जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इफिशियंसी निकालने के लिए। आप सीरीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इफिशियंसी का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एन जी इज इक्वल टू मीन्स एन जी फॉर जनरेटर ईटा, सॉरी ईटा जी फॉर जनरेटर, दैट मीन्स आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, दिस इज द इक्वेशन फॉर जनरेटर। आउटपुट आपका क्या था, वी आई एल बाय आउटपुट वी आई एल प्लस लॉसेज। लॉसेज आपका क्या क्या है, अब आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वॉट वी एफ आई एफ प्लस हाउ मच डब्ल्यू जीरो, दीज आर द लॉसेज एंड दिस इज द आउटपुट। अब चूंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इनको एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं सी। सी इज इक्वल टू हाउ मच, वी एफ आई एफ प्लस डब्ल्यू जीरो, देन ईटा फॉर जनरेटर विल बी वी आई एल प्लस वी आई एल प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वॉट सी। नाउ मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, जब जो चेंज इन इफिशियंसी है आई एल के थ्रू वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मीन्स डी ऑफ ईटा जी बाई डी आई एल दैट विल बी जीरो। दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी इन द जनरेटर, है ना। वेरिएबल इसमें क्या था, आई एल, तो आई एल वेरिएबल है, मीन्स जो वेरिएबल के अक्रॉस चेंज होगा इफिशियंसी में अगर वो जीरो हो जाए दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कंडीशन होगा फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द जनरेटर। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, आई एफ क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि संट रेसिस्टेंस, संट कनेक्शन में क्या होता है, जो फील्ड कॉइल के अक्रॉस करंट होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स जो आपका इक्वेशन है उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, आई ए इज इक्वल टू आई एल, ये कंसिडरेशन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि वॉट आई एफ इज़ वेरी वेरी लेस, दैट मीन्स नेग्लेजिबल। ओके, अब चलते हैं इक्वेशन निकालने के लिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, डी ऑफ ईटा जी बाय डी ऑफ आई एल दैट विल बी जीरो। ईटा जी आपका क्या था, डी ऑफ वी ऑफ आई एल बाय वी ऑफ आई एल प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी बाय डी आई एल, ये क्या होना चाहिए आपको, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको इस इक्वेशन को आप इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, इसको मान लेते हैं यू, इसको मान लेते हैं वी, तो कैसा इक्वेशन आएगा आपका, वी आई एल प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी इंटू वी आई एल, क्या आई एल से आई एल क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे, माइनस वी आई एल इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाउ मच वी प्लस टू इंटू आई ए स्क्वायर आर ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा आई ए इज इक्वल टू आई एल दैट मीन्स आई एल स्क्वायर आर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अगर यहाँ पर आई एल हो गया तो ये क्या हो जाएगा आई एल, ये आई एल, ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे तो आई एल, आई एल, तो आई एल स्क्वायर आर ए टू आई एल इंटू आर ए, ओके बाई हाउ मच होल का स्क्वायर, दैट मीन्स वी आई एल प्लस आई एल स्क्वायर आर ए प्लस सी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच जीरो। तो यहाँ से अगर आप इवेल्युएट करोगे तो आपको इक्वेशन क्या आएगा, सी इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर इंटू आर ए, ये क्या है, ये था आपका कॉन्स्टेंट लॉस, कॉन्स्टेंट लॉस था आपका, और ये क्या है आर्मेचर कॉपर लॉस,
आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है। तो मीन्स दिस इज द होल वेरिएबल लॉस, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लॉस अक्रॉस द फील्ड कॉइल, चूंकि आईएफ नेग्लिजिबल है तो फील्ड कॉइल के अक्रॉस जो लॉस होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा। तो नेट वेरिएबल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर अ डीसी जनरेटर विल बी व्हेन व्हेन द कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू द वेरिएबल लॉस, ठीक है। अब कांस्टेंट लॉस में क्या कहा था आपका, मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस आई ए, दैट इज आई एल इंटू आर ए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं कि आई एल इज इक्वल टू रूट अंडर वट, कॉन्स्टेंट लॉस बाय आर्मेचर रेसिस्टेंस, ये कंडीशन आ गया, लोड करंट फॉर वट, दिस इज द लोड करंट ऑफ डीसी जनरेटर, जनरेटर फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी केस, ठीक है।